हुई भारी बारिश के बाद मोतिहारी में तबाही मच गई है। जिले के संग्रामपुर प्रखंड के कई गांव और टोला में करीब 18 घर गंडक नदी में डूब गए। पीड़ित लोग लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वहां के लोगों से उनका हालचाल जाना है। बारिश ने पूर्वी चंपारण में तबाही मचाई है और अभी हम खड़े हैं संग्रामपुर प्रखंड के कुछरिया गांव में। देखिए, यही वो गांव है जहां पर लगभग 18 से 20 घर जो है उसको गंडक नदी ने अपने आगोश में ले लिया है और तमाम जो परिवार हैं वो यहां से विस्थापित होकर जो है वो बांध के शरण लिए हुए हैं। पूरा गांव परेशान है, गांव के लोग परेशान है और खासतौर पर काफी नुकसान हुआ है। ये तस्वीर जो है ये बयां हो रहा है कि कैसे कितना नुकसान हुआ है, ये कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है। यहाँ तो बहुत मकान ढो गया है, कोई आदमी कोई साधन नहीं है जे अपना सामान लेकर बाहर जाए, बाढ़ आ गया है। तो कितना मकान, 15-20 घर मकान पक्का का गिर गया है, फूस का जो गिरा है सो बहुत गिरा है ना। बाढ़ के लिए काम तो हो रहा था, यहाँ पे काम हो रहा था कम से कम 11 साल से तो काम में हो रहा है। हम लोग को कोई फर्क नहीं है, 30 करोड़ रुपया खर्चा हो गया फिर भी सारा गांव ढो गया। ये पैसा इतना खर्चा हुआ कि उसमें गांव बच सकता था, मगर हमारा सब दोष है सरकार का। पैसा खर्चे करने के लिए देता है मगर वो प्रयोग जहाँ से अभी देखिए दो 3 किलोमीटर का आसपास में यहाँ तक अभी पूरा गाछ बीज था। अभी तक जो भी है 20-25 घर अभी गिर गया है, अभी कितना कटाव करेगा। अनगिनत घर गिरा है, अब उसमें क्या कहना है। बहुत परेशानी में है, बहुत परेशानी में है। कोई आ रहा है कि नहीं, कहाँ कोई आ रहा है, नमक चूरा भी नहीं मिल रहा है। मैं प्रशासन से ये तमाम लोग गुहार लगा रहे हैं, उनको आर्थिक रूप से मदद की जाए, उनको अलग कहीं बसाया जाए ताकि बार बार की जो बाढ़ की जो विस्का होती है उससे उन लोगों को बचाया जा सके। उनीश कुमार, न्यूज 18, संग्रामपुर। और अगली खबर